तो गाइस अपनी सेनोरिटा का काम शुरू हो रहा है, भैया कर रहे हैं शॉकर अगला भी और पीछे का भी। ये जो पतली सी रोड होती है हाइड्रोलिक, वो है ना वो कट चुकी है। सील कटने के बाद में अगर नहीं रिप्लेस करोगे तो इसको शॉकर तो ख़राब होने ही होना। कोड है ये TK 18-10-19 150 वो वाली है, 20 वाली 180 वाले ही है उसका शॉकर, मोटे वाले है ना। गिर तो नहीं गई रोड गिर गई, रॉड गिर गई। देखो मेरे को कितनी कॉन्फिडेंस आ रहा है कॉर्नरिंग करने में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सही है। तो गाइस अभी हम लोग कालका जी के पास में है गोविंदपुरी में, यहाँ पे भी एक शॉकर रिपेयर वाले हैं, इनसे पता करते हैं क्या खर्चा आ जाएगा। क्या खर्चा आएगा? शॉकर सील है मेरे पास में, शॉकर ऑयल भी है और इसका आगे का शॉकर भी होना है। पीछे का शॉकर रिपेयर होगा या फिर ये चेंज हो जाएगा? लाइट होगा तो हो जाएगा। हाँ ना चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा, कितना खर्चा आएगा पता कर दो। आप शॉकर लेके आओगे ना, हम आपको बाद में पास कर। नहीं शॉकर आपके पास हो तो आप डाल दो। सेकेंड हैंड मिल 700 रुपये पलटे में, 700 रुपये के मगर गारंटी तो रहेगी कुछ में? गारंटी 6 महीने तो सही है, कर देना। कर दूँ? हाँ। और अगले वाले का कितना लोगे? सील भी है मेरे पास में इसका, सील भी है ऑयल भी है, खाली एक ही है ना? दोनों ही भर देना, दोनों को आएगा 200 रुपये। पीछे का एक शॉकर इधर वाला लीक हुआ है, ये वाला भी होने ही वाला होगा। 1 लाख चल चुकी है ना गाड़ी, अगर इसका सील डल के सही हो जाता तो ये से कर देना। इतना वैसे बैक नहीं मार रहा है कि उतना बैक मार रहा हो। किधर लगाओगे, किस साइड लगाओगे, लगा दो। तो गाइस अपनी सेनोरिटा का काम शुरू हो रहा है, भैया कर रहे हैं शॉकर अगला भी और पीछे का भी। तो लगे हाथ चारों ही करवा ले रहा हूँ क्योंकि फिर इनके लिए अलग से परेशान होना पड़ेगा, इससे बढ़िया एक ही जगह पर करवा के अच्छा डिस्काउंट ले लेंगे। 3:52 हो रहे, 4 ही बज गए यार काम। हाँ हाँ हाँ, तो चेंज कर देना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस पिछले शॉकर आगे खोल के देख रहे हैं कि पिछले शॉकर की कंडीशन क्या है। ये वैसे कितने चलते हैं अगर नई गाड़ी के आते हैं तो? चल जाते हैं भाई साल दो साल। किलोमीटर का भी तो हिसाब होता होगा? किलोमीटर का कोई हिसाब नहीं। अच्छा, साल दो साल से ऊपर का नहीं होती लाइफ? नहीं हो जाती है कभी, चल जाता है। गाइस ये देखो लीक हो गया है, अच्छा खासा ऑयल फेंक रहा भाई नीचे से। तो इसमें ऑयल रहता है इसके मोनोशॉक में, नाइट्रॉक्स में, और इसमें से ऑयल निकल रहा है, लीक कर रहा है, इसी वजह से ये इसको चेंज करवाना पड़ रहा है। ख़त्म हो जाता है इसकी रोड भी कट गई है शायद, आई थिंक हल्का हल्का दिख रहा होगा आपको बारीकी से, कट चुकी है रोड भी कट चुकी है, दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रोड है ना इसकी कट चुकी है। ये जो पतली सी रोड होती है हाइड्रोलिक, वो है ना वो कट चुकी है। सील कटने के बाद में अगर नहीं रिप्लेस करोगे तो इसको शॉकर तो ख़राब होने ही होना। मैं सोच रखा था इसको चेंज ही करवाऊंगा, चेंज ही करवा देते हैं इसको। तो गाइस कैसी लग रही है देखो बिना शॉकर के। तो गाइस अब अगला शॉकर भी खोल रहे हैं। काम तो अपना तेज़ी से ही हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, दोनों पहियों का हिसाब कर रहे हैं। भी ले लिया भाई, खुश हो रहा था वहाँ से वीडियो में जा रहे भाई। सेंसर भी खोलना पड़ेगा। तो गाइस
फ्रंट शॉकर के सील ये वाले हैं, आपको कोड भी दिखा दे रहा हूँ, सील भी दिखा दे रहा हूँ। कोड है ये TK 18-10-19 और 94 रुपीस का है MRP इसकी। दोनों शॉकर निकाल लिए हैं, फ्रंट के भी और पीछे के भी, अब इस पे काम चलेगा। हाँ टेढ़ा है बहुत काफ़ी। तो गाइस ऐसे ही सारी रोड होगी, मतलब दूसरी वाली भी होगी। अच्छा हाँ ऑयल भी है, ऑयल डलेगा नया बजाज का। तो प्लास्टिक ही है ना, प्लास्टिक वाला वो है ना। ये वाली रोड लेने जा रहा हूँ, सरदार जी की दुकान है यहाँ पे ही सामने, तो सरदार जी की दुकान पे चलते हैं और ये वाली रोड लेके आते हैं और ये सामने ही रोड मिल जाएगी पाजी। कौन सी गाड़ी की रोड है? पल्सर 150। पल्सर 150 180 होगी, 150 वो वाली है, 20 वाली 180 वाले ही है उसका शॉकर, मोटे वाले है ना। हाँ कोई नहीं, कितने की है? ये कुछ मंगाया था उसका स्कूटी का, ओरिजिनली तो चाहिए, लोकल काम करवा के क्या फ़ायदा, फिर ख़राब हो जाएगी, फ़ायदा नहीं है। प्योर वाइट है, थोड़ा क्रीमी कलर है इसे। प्योर वाइट आता है, प्योर वाइट आता है, नहीं प्योर, नहीं प्योर वाइट है। कितने का पाजी? रोड कितने पे करना है? 770 धन्यवाद। तो गाइस नई रोड निकाल दी भाई ने, सही है ना, फर्स्ट क्लास। ओरिजिनल में यही है, लोकल नहीं बताई उन्होंने, ओरिजिनल है, देख के तो तुम्हें भी पता चल जाता होगा लोकल ओरिजिनल का। गई अपनी नई रोड, भाई मुझे ले रहा पूरे कमेंट करेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? खेरात का कितना खर्चा आता है अगर दोनों रोड में अगर बैंडिंग वो करवाते तो? 250 रुपये खर्चा आता है दोनों में, मगर उसमें दाग आ गया था ना, वो कभी फट जाते हैं शॉकर, फिर चल नहीं पाते। सील दोबारा लेके हो जाती है ना। हाँ तुम भाई यहीं पे करते हो, जब से कर रहे हो कितना टाइम हो गया? भाई 7-8 साल तो हो गए। 7-8 साल का भाई को एक्सपीरियंस है, इसका मतलब काम हमारा बढ़िया हो रहा है, तगड़ा काम। ये पूछना ज़रूरी होता है ना एक नॉर्मल कस्टमर के लिए कि हाँ भाई जो गाड़ी छू रहा है वो कितने साल एक्सपीरियंस है उसका। तो गाइस अभी पिछले वाले खोल के देख रहे हैं, इसमें अगर जान बची है तो इसको डालेंगे, नहीं तो इसको रिपेयर कर देंगे, उसी में मज़ा आ जाए तो बढ़िया, थोड़े बहुत पैसे बचे तो, क्योंकि सेकेंडरी रोड डल गई ना इसमें, कट गई थी ना। हाँ रोड कट गई।
अगर अभी फिलहाल में करना है तो बता दो, फिलहाल में इसको रिपेयर कर देता हूँ मैं। जैसे पक्का ही काम कर दो तुम, ये तो सील काट देगी ना फिर, अगर ये इसकी कटी पड़ी है जल्दी लीक हो जाएगा। चल जाएगी चल जाएगी 50,000 किलोमीटर चल जाएगी। और किलोमीटर का नहीं होता भाई। अच्छा इसका वो होता है। चले 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 ना चले। आपको ज़्यादा पता है मेरे से, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अपने हिसाब से समझ के कर दो आप, मैं आप पर ट्रस्ट करके करवा लूँगा जो का कहोगे आप। ये आपको एक्सपीरियंस है 7-8 साल का, आपको पता है ये चल पाएगा नहीं चल पाएगा। ऐसा ना हो कि लीक कर जाए जल्दी। हाँ खोला बांधी बेकार मैं दूँ मैं इतना। इसमें डबल सील डल जाएगी और यही रिपेयर हो जाएगा दोबारा। खारा निकल रहा पूरा गाइस। पीछे वाले शॉकर का तो बिल्कुल सिल्वर कलर का गारा निकला है। शॉकर वाला भाई देर हो जाएगी ना तो फिर। टाइम हो रहा है 5:06, 1 घंटे से ऊपर हो गया मेरे काम को। 4 बजे करीबन आया था, 4 से पहले ही आ गया था और भैया से बात करके काम करवाया था, मगर ना थोड़ा टाइम लगता है रिपेयरिंग होने में। अगर नया होता तो तुरंत ही डल जाता। अब इसी पिछले शॉकर को ये दोबारा इसमें डबल सीम डाल के इसको ही रिपेयर कर देंगे और चल जाएगा अभी थोड़ा। ये इनके पास में ऑप्शन नहीं है, नया लेकर आऊँगा तो नया भी 2400 का आएगा समथिंग फेयर इसका पल्सर का। ये बाइक पे जैसे जैसे चलती जाएगी वैसे वैसे लगाते जाओ तो ज़्यादा दुखी नहीं करेगी बाइक। अगर तुम चलाते ही जा रहे हो लगा ही नहीं रहे तो ज़्यादा दिक्कत पड़ती है। तो गैस पुराना वाला शॉकर आ गया खैरात पे से सीधा होके, हल्का सा बैंड था ये वाला शॉकर। और ये वाला रोड तो मैंने नया डलवा दिया पूरा, ये 770 गया ही है नई रोड। पुराना वाला रोड वो सीधा करवा लिया खैरात पे से, उसमें 250 रुपये लगे हैं रात के। तो शायद सिंगल रोड के कम हैं, 2 रोड के 250 बताए थे, तो सिंगल रोड का आधा मान लीजिए 125 रुपये और इस वाले का 770 लगे। नया रोड डल गया, फोकर सील में ले आया था, शॉकर ऑयल में ले आया था, तो उसके पैसे आपके पहले से ही मेरे जोड़ के रख लेना। बाकी अब मुझे लेबर देना है फ्रंट का और पीछे का रिपेयरिंग का, और लेबर देना है लगाने का। तो अपनी गाड़ी का सस्पेंशन का काम भी हो गया। अब इसका क्लच का काम है ना, ARV ब्रदर्स पे जाऊंगा, संगम विहार पे हैं वो, मंडे को होगा काम, तो उसका भी ब्लॉग आएगा अलग से सेपरेट। तो अभी शॉकर का जो ब्लॉग है वो आपने देखा, देख रहे हो आप काम करते हुए, और इसमें आपको सारी नॉलेज पता चली होगी रिपेयर करवाने में और नए डलवाने में बहुत फ़र्क है यार। नए में बिल्कुल ही जल्द से चली जाएगी प्रॉब्लम, मगर उसमें खर्चा ज़्यादा होगा और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी गाड़ी पे आप कैसा काम करवाना चाहते हो। मेरी गाड़ी पे मुझे लगा कि हाँ रिपेयर करवाने में मेरे कुछ पैसे बचेंगे तो मैंने वो काम करवाया, और जहाँ पे मुझे लग रहा था वो रोड नहीं चलेगी तो मैंने रोड नहीं डलवा दी पूरी। तो भैया फ्रंट का शॉकर फिट कर दें फिर मैं दिखाता हूँ, बाकी वो पीछे वाले उसका काम चल रहा है, वहाँ पर शॉकर टाकी चल रही है तो पीछे वाले शॉकर बन रहे हैं।
अपने शॉकर सही हो गए अपने। तो गाइज मैंने अपनी बाइक करवा ली है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो मैंने पुरानी रोड तो रख ली अपने थैले में, क्योंकि ये ले जाके पापा के शॉप पे ही छोड़ दूँगा। और हाँ कर दिया, आ गया होंगे 700 रुपये। चलो गाइज देखते हैं टेस्ट राइड करके अपनी सनोरिटा कैसे चल रही है, क्या इसके टांगों में जोर आया कि नहीं आया। अब गाड़ी थोड़ी उठी उठी सी लग रही है मुझे, पीछे से भी बैठ गई थी, डाउन हो गई थी। चलो गाइस चलें, शोकर का तो काम हो गया यार, कुछ ज़्यादा ही स्टिफ लग रहे हैं शोकर, अब भर गए ना, अब चिपक के चलेगी। खाली हो गए थे बिल्कुल, ऐसा लग रहा था शोकर ख़त्म, गाड़ी के शोकर डलने के बाद मतलब ऐसा लग रहा है कि ना बहुत ज़्यादा उठी हुई और सस्पेंशन भी स्टीफ हो गए ना, तो बहुत एकदम से झटके से ब्रेक मारने पे दब जा रहे थे शॉकर। तो अब गाड़ी को वॉश भी करवा लेंगे और शॉकर भी रख दूँगा, और भूख लग रही है, तब से मैं कुछ खाया भी नहीं हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही मेरे शॉकर को घर जाने में। शॉकर का वज़न भी बहुत ज़्यादा है, इसका फ्रंट शॉकर है ना हैवी वाले शॉकर है ना 150, इस जैसे 180 में आते थे 220 में आते थे वैसे ही शॉकर है इसके अंदर। अब कॉर्नरिंग करूँगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो कॉर्नरिंग में ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी झूला खा रही है। 700-770 और प्लस इसमें खैरात पे गई थी तो 150 रुपये लिए उस चीज़ के, तो 50 रुपये डिस्काउंट कर दिया भैया ने, देखो ज़्यादा नहीं करा। तो गाइस अपनी गाड़ी के 1,02,000 पे सस्पेंशन हुआ है कंप्लीट। अरे 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 यहाँ पर तो उबड़ खावड़ हो रहा है। अरे यार गिर तो नहीं गई रोड, शिट रोड गिर गई, रोड गिर गई। गिरी नहीं है, बच गई। बाल इसको है ना इस तरीके से रखना पड़ेगा मुझे, जिससे कि ये घूम के ना जाए कहीं। अब सही है, तो बच गया बाल, मैं कह रहा हूँ गिर गई क्या रोड, रोड गिरी नहीं थी, इसको मैंने डाला ही गलत टेक्निक से था, आगे झुक रही थी, मैं कह रहा कि उसमें से निकल के चली गई क्या गत्ते में से निकल के। चलो अब नहीं जाएगी कहीं पे भी, अब खड़ी है रोड मैं कह रहा मेरी बाइक की रोड पे गिर गई तो कोई भी गिर जाएगा ना, फिर दिक्कत होती, मेरे को जाना पड़ता पीछे पैदल। इतने उबड़ खाबड़ रास्ते आए थे, मेरे को लगा गई यार, स्टिफ हो गए मतलब सस्पेंशन, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बहुत सॉफ्ट गाड़ी चला रहा था, अब बहुत हार्ड सस्पेंशन वाली गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसा मतलब अभी फील हो रहा है मुझे। तो अभी गाड़ी चलाने में मज़ा भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि स्टीफ की वजह से नहीं आ रहा है, और स्टीफ रहने से गाड़ी की परफॉर्मेंस रोड पे अच्छी हो जाती है। तो अगर आपकी गाड़ी भी ज़्यादा ही सॉफ्ट आपको फील करा रही है ना, तो उसका सस्पेंशन बोल चुका है, सस्पेंशन करवा लो, वो बढ़िया है। देखो मेरे को कितनी कॉन्फिडेंस आ रहा है कॉर्नरिंग करने में, अब लग रहा है कि हाँ गाड़ी मतलब वैसी हो गई है कि हाँ दौड़ाओ इसको। और गड्ढे में क्या ब्रेकर में भी टच हो जा रही थी, कभी कोई बैठ रहा था वो डाउन हो जा रहा था नीचे, स्टैंड भी चेंज हो गया, शॉकर का काम भी हो गया,
अब रह गया है इसका क्लच प्लेट का काम बस खाली। क्लच प्लेट का काम करवाने के लिए अब हमें मंडे तक का वेट करना पड़ेगा। और ठंड लगने लगी है, मुझे दवाई भी लेनी है, यहाँ से सिरप लेते हुए मैं घर निकल लूँगा। तो गाइस होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। एक्सीलेंट राइडर, लिव फ्री राइडर हार्ट। बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।